शी वॉज एक्साइटेड कि uh, मैंने देखे एक दो बहुत अच्छा है एंड उसने बोला और मैंने भी बोला कि हाँ हाँ शो बहुत अच्छा चल रहा है टचवुड पहली बात तो जब कोई शो लीप uh, लेने का कुछ ऑडिशन आता है कि कोई ऐसा शो है जो लीप ले रहा है तो मैं पहले ही तो ना बोल देती हूँ मैं मैंने कोई शो के बीच में मुझे नहीं आना होता है हमारे फ़ैंस भी उनको रिप्लाई करते थे कि अरे इनके हाथ में थोड़ी है आप इनको क्यों सुना रहे हो ये तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं बहुत ऐसे लॉजिकल कॉमेंट रिप्लाई करते थे हमारे फैंस थैंक यू सो मच येस एम सुप ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने ऑडिशन दिया था आई वॉज़ कन्फ्यूज कि मुझे ये शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि जब कोई शो लीप लेता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो शो बंद हो जाता है या कुछ नेगेटिव ही होता है बट द शो वॉज अ हिट शो already एंड uh, uh, मेरे मेरा कन्फ्यूजन ये था कि क्यों ये शो लीप ले रहे हैं लेकिन बट एनी वे मैंने uh, चलो अच्छा शो है लेट्स डू इट एंड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला तो ऑनेस्टली बोलूँगी कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी कि uh, सब अच्छा ही होगा एंड ऑल मैं थोड़ा सा डाउट uh, में थी कि शायद कुछ ना अच्छा हो क्योंकि पूरी कास्ट चेंज होने वाली है फैंस को बहुत हर्ट uh, दुख होगा सो या पहली बात तो जब कोई शो लीप लेने का कुछ ऑडिशन आता है कि कोई ऐसा शो है जो लीप ले रहा है तो मैं पहले ही तो ना बोल देती हूँ मैं मैंने कोई शो के बीच में मुझे नहीं आना होता है बट इमली uh, के लिए आई वॉज़ एक्साइटेड क्योंकि वो हिट शो था स्टार प्लस का एक पॉपुलर शो था तो मैं uh, मुझे ना नहीं कहना था तो मैंने बोला चलो लेट्स डू द ऑडिशन फर्स्ट तो मैंने ऑडिशन दिया एंड ऑडिशन अच्छा लगा फिर मॉक uh, शूट हुआ सब कुछ हुआ तो काफ़ी सारे यू you नो know, हवा में बातें सुनने को आ रही थी कि यार लीप ले रहे हैं कैसे चलेगा uh, पहला पैर इतना हिट है यू uh, नो you know, नहीं वर्क करेगा एंड बहुत सारी चीज नो नेगेटिविटी आती है चारों तरफ से तो वो सब चल रहा था बट आई वॉज लाइक कि जो जो भी हो, हमें अपना काम हंड्रेड परसेंट करना है जो मुझे जितना आता है जितना मैं ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊंगी उतना तो मैं करूंगी करूंगी दिल से करूंगी तो मैंने अपने काम पे भरोसा रखा अपने ऊपर भरोसा रखा कि अब ले लिया है तो ये चैलेंज करके दिखाना है कि भाई शो मतलब उनकी रेटिंग गिरनी नहीं चाहिए ऊपर ही जानी चाहिए और शो जैसा हिट था उस, उस आ, हिट को मेंटेन करना है तो मैंने बस अपने अंदर ही वो रखा और मैंने काम किया अच्छे से अफकोर्स अफकोर्स ये तो मिलता ही है मतलब कभी भी आप कॉमेंट्स चेक करो जो कि हम कभी कभी कर लेते हैं कैसे देखने के लिए तो वहाँ पर शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा थे आ, अभी तो काफ़ी कम हो गए हैं कि अरे ये नहीं चल पाएगा बेकार पैर है आ, हमारा सुम्बुल को वापस ले आओ फैमान को वाप, वापस ले आओ हैश टैग क्या था उनका आर्यल ऐसा कुछ आ, उनका था तो उनको वापस ले आओ ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स थे तो आ, देखो इग्नोर करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है मैं उस कॉमेंट्स में जो पॉजिटिव कमेंट्स होते थे, थे कभी कभी हमारे फैंस भी उनको रिप्लाई करते थे कि अरे इनके हाथ में थोड़ी है आप इनको क्यों सुना रहे हो ये तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं बहुत ऐसे लॉजिकल कॉमेंट रिप्लाई करते थे uh, मे हमारे फैंस तो uh, मैं क्या करती थी मैं उसको इग्नोर ही करती थी और uh, कभी कभार एक दो बार हुआ है जब मैं लाइव जाके मैंने हमेशा बोला है कि जो लोग नहीं पसंद कर रहे मैं उनको भी बोलूँगी देखो हम लोग मेहनत कर रहे इस शो को आगे ले जाने के लिए सो आप पहले देखो एंड फिर कमेंट करो ऐसे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं इग्नोर ही करती हूँ क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते तो मूल से जब मैं मिली होली पार्टी में उसने मुझे पूछा कि कैसा चल रहा है शूट कैसा मतलब शी वॉज एक्साइटेड कि मैंने देखे एक दो बहुत अच्छा है एंड उसने बोला और मैंने भी बोला कि हाँ हाँ शो बहुत अच्छा चल रहा है टच वुड तो बोला वेरी गुड ऑल द बेस्ट तो हमारी इतनी थोड़ी बातें हुई तो वो हमेशा वो उसके तरफ से हमेशा मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली है सी सबसे बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं और करण पहले काम कर चुके हैं सो so, वो भी स्टार प्लस का ही शो था कृष्णा चली लंदन में तो वो एक कंफर्ट जोन हमारा शुरू से ही था कि ऐसा नहीं था कि आके पहले यू नो इंट्रोडक्शन हुआ एंड धीरे धीरे कंफर्टेबल हुआ ऐसा कुछ नहीं था तो वी वो एक्साइटेड कि अरे तू है एंड तू, तू, तू है वैसा वाला था हमारा फर्स्ट डे रिएक्शन जब हमें पता चला एक दूसरे के बारे में तो इसलिए हम लोग बहुत कम्फर्टेबल है क्योंकि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो हम लोगों का जो इम्प्रम गिव एंड टेक होता है ना वो काफ़ी ईजी होता है हमें हम कम्फर्टेबल होते हैं तो ऐसा तो कोई नहीं होती तो दोनों काफ़ी एक कम्फर्टेबल बॉन्ड शेयर करते हैं और वो जो सीन में भी हमारा काफ़ी काम आता है जो केमिस्ट्री हमारी ऑडियंस को अच्छा लग रहा है वो इसी वजह से अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी केमिस्ट्री पहले से बनी हुई है आ, और ऑफ स्क्रीन में बोलूँगी ऑफ स्क्रीन आई थिंक ही इज इंट्रोवर्ट तो वो बहुत कम बात करता है आ, जैसे नहीं मैं किसने नहीं या ही इज़ एंड मैं हूँ एक्स्ट्रोवर्ट मैं बहुत हाई रहती हूँ लाइक लेट्स डू लेट्स मेक रील ये करते हैं वो करते हैं मैं बहुत ज़्यादा वैसी हूँ सबसे जाकर बात करना मेरा शूट नहीं चला तो मैं सेट पे चली जाती हूँ यार कि कब तक बैठना है यू you नो know? कुछ ना कुछ कुछ ना मैं थोड़ी सी चौपी टाइप हूँ और वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है कम बात करना कम बोलना सो so, है मतलब वो वैसे ही है लेकिन हम लोग ऑफ स्क्रीन भी मस्ती करते हैं लेकिन बहुत उसका थोड़ा कम रहता है उसका सटल सटल वाला मस्ती रहता है और कान के पास रस्ते रहते हैं उसका लाउड नहीं रहता और मेरा थोड़ा लाउड रहता है सो या एनी मैसेज मैं तो यही बोलूँगी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑलरेडी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो आपके सारे एडिट्स ऑलमोस्ट मैं देखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं सारे शेयर करूँ इंस्टाग्राम पे और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को ही एंटरटेन करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्रेस करते हो हमारे काम को तो ऐसे ही बस आप लोग प्यार देते रहिए और इस शो को प्यार देते रहिए हमारे पूरे टीम को प्यार देते रहिए बस थैंक यू सो मच हाय एवरीवन दिस इज़ मेघा चक्रवर्ती एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यू एस ए